इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर स्थित बेटमा खुर्द गांव में बेटमा पुलिस ने एक ट्रक में भरकर ले जा रहे गोवंश पकड़े हैं। इनकी संख्या 49 बताई जा रही है। हालांकि इनमें से 6 कीड़े मरे हुए थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार देर रात समोदय स्कूल के सामने एक प्रधान आरक्षक सुरेश चौहान ने मवेशी से भरा एक ट्रक देखा तो अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो इसमें त्रिपाल में छुपाकर गोवंश भरे हुए थे। वहीं गोवंश को रस्सी में बांध कर रखा गया, जिसे पुलिस द्वारा जब्त कर गोवंश से भरे ट्रक को बदीपुरा स्थित गौशाला में ले जाकर उनकी गिनती की गई। ट्रक में 100 गायें और 49 कीड़े मिले हैं, जिसमें 6 मृतक थे और गले में फंसी का फंदा लगा हुआ था। वहीं 10 कीड़ों की हालत गंभीर है, जिसका गौशाला में उपचार किया जा रहा है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। माध्यम से सूचना मिली रात को 2:30 और 3 के बीच में, जिनके माध्यम से गौशाला में श्री राम जानकी गौशाला श्री बदीपुरा बालाजी धाम बेटमा में गौशाला में गाय ट्रक भरकर लाई गई, जिसमें गुनसहाट गाय कीड़े निकले, जिसमें से 5 तो मृत निकले, जिनकी फांसी लगने से मृत्यु हो गई और बड़ी क्रूरता से इनको ठूस ठूस कर इन्हें भरा गया था। एक मंजिल नीचे मंजिल दो दूसरी मंजिल पे भी इन्हें ठूस ठूस कर भरा गया था। बड़ी मुश्किल से गौ सेवकों की मदद से इन्हें रात भर मशक्कत करके इन्हें उतारा गया और जिसमें से 5 की फांसी लगने से मृत्यु हो गई। अभी उनकी भी स्थिति गंभीर है, मतलब कुछ 5-10 कीड़े उसमें ऐसी स्थिति में है कि वो मतलब जिए नहीं जिए। अभी इनको डॉक्टर साहब से इनका इलाज कराया जाएगा और पूरी व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था इनकी गौशाला में सुचारू रूप से की जाएगी। संदर्भ में एक पिठान जिला धार का एक आरोपी है आसिफ, पिता का नाम एजाज अहमद। ये इसका ट्रक से और ये अपने साथी रईस और मुजाहिद के साथ में इस तरह का व्यापार करता था, तो उसको पकड़ के उसको उसका NSA किया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें 6 गोवंश ख़त्म हो गए थे। उसी संदर्भ में ये ट्रक वहाँ पे मिला था छोटे बेटमा के आगे पहाड़ी की तरफ, तो वहाँ से उसको लेके आए। शेष जानवरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और मृत जानवरों का PM भी कराया गया। 59 ये मंदसौर की तरफ ले जाना इन्हें बताया है और वहीं से लेके आए थे। रूट थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें गोवंश के अंतर्गत धाराएं लगी गई हैं। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इसको निरोध में लिया गया है। 3 आरोपी हैं, आसिफ, रईस, मुजाहिद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।